एक दिन क्या हुआ कि मारीच राक्षस ने रावण के आदेश पर एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर लिया और फिर वो राम की कुटिया के सामने जाकर घास चरने लगा। सीता पर्णकुटी से सहज ही बाहर आई, उनका ध्यान उस स्वर्ण मृग पर गया। आज तक उन्होंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा था, एक संपूर्ण सोने का मृग सामने ही घास खा रहा था। उसकी संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण आभा सूर्य के प्रकाश के समान अलोकित हो रही थी। उसके पानीदार नेत्र सीता को देख रहे थे। उस हिरण से आकर्षित होकर सीता ने राम से कहा, कुछ भी करो लेकिन ये सोने का हिरण मुझे लाकर दे दो नाथ। अगर मुझे वस्त्र बनाने के लिए इस हिरण की खाल मिल गई तो कितना अच्छा होगा ना। और तब सीता उस स्वर्ण हिरण के लिए हट करने लगी, कुछ भी करिए पर मुझे ये स्वर्ण मृग लाकर दीजिए। राम ने सीता से कहा, अरे पगली, ऐसा हिरण कहीं होता भी है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि यह हिरण के भेष में मायावी राक्षस है। लेकिन सीता कुछ सुनना नहीं चाहती थी, वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार राम को सीता की जिद पूरी करने के लिए जाना ही पड़ा। राम धीरे धीरे उस हिरण के पीछे पीछे गए। हिरण ने भी राम को अपनी तरफ आते हुए देखा और फिर क्या, हिरण ने जब भागना शुरू किया तो वह सीधा घने जंगल की ओर चला गया। हिरण को भागता देख राम भी उसके पीछे भागने लगे। हिरण के पीछे पीछे भागते भागते राम भी घने जंगल में गायब हो गए। इतने में क्या हुआ पता है, जंगल में से आवाज आने लगी, हे सीते, हे लक्ष्मण, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज जंगल में गूंजने लगी। सीता ने यह आवाज सुनी और वो बहुत घबरा गई। उन्हें लगा कि मेरे श्री राम किसी संकट में हैं। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम तुरंत जंगल में जाओ, श्री राम को कुछ हो गया है। भैया भैया, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और श्री राम की मदद करो। इतना सुनते ही लक्ष्मण शांत रहे और सीता से बोले, माते, आप भैया की चिंता मत करिए, ये आवाज राम की है ही नहीं, ये आवाज जरूर उस मायावी राक्षस की होगी। इस धरती की कोई भी शक्ति श्री राम का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आप उनकी चिंता ना करें और विश्राम करें। मैं उनका छोटा भाई हूँ, अगर वो किसी संकट में होते तो क्या मैं शांत बैठा रहता। लक्ष्मण के ऐसे शब्द सुनते ही सीता क्रोधित हो उठी। सीता ने लक्ष्मण से कहा, जो बड़े भैया के संकट में होने पर उनकी मदद ना कर सके वो कैसा छोटा भाई है, अरे वो तो बड़ा पापी है। लक्ष्मण को इन शब्दों से आघात पहुंचा। उन्होंने कहा, मैं राम की मदद करने के लिए जाता हूं। उन्होंने पर्णकुटी के बाहर अपने बाण से एक रेखा खींच दी और सीता से कहा, माते, मैं राम की मदद के लिए जा रहा हूं, पर मेरा आपसे एक अनुरोध है कि चाहे जो हो जाए आप इस रेखा को पार ना करें। सीता ने लक्ष्मण का कहना मान लिया और फिर लक्ष्मण श्री राम को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए। लक्ष्मण जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे कि इतने में ही उन्होंने सामने से आते हुए राम को देखा। लक्ष्मण ने भैया से पूछा, भैया, क्या वो स्वर्णमृग मिल गया? राम ने कहा, अरे कैसा स्वर्णमृग, वो तो एक मायावी राक्षस था, मैंने उसे मार डाला। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम सीता को अकेले कहां छोड़कर आए हो? लक्ष्मण ने राम को सारी बात बताई। इस पर राम ने कहा, अरे लक्ष्मण, ये तुमने क्या कर दिया, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी। कुछ भी होता पर सीता को अकेला नहीं छोड़ना था। ये जंगल क्रूर राक्षसों और दानवों से भरा हुआ है, हमारे सिवाय सीता के साथ कोई भी तो नहीं है। ऐसी दशा में यदि किसी राक्षस ने या किसी क्रूर प्राणी ने उसे कष्ट दिया तो? चलो लक्ष्मण, चलो, हमें तुरंत आश्रम पहुंचना होगा। दोनों आश्रम में आते हैं। दुर्भाग्य से राम की आशंका सही निकली, सीता आश्रम में नहीं थी। लक्ष्मण जब राम को ढूंढने के लिए वन में गए तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ रावण साधु का रूप लेकर बाहर आया। सावधानी पूर्वक वो पर्णकुटी के द्वार पर पहुंचा।
आश्रम के पास आया। यहाँ वहाँ देखकर वो कड़क आवाज में भिक्षा मांगने लगा, माई भिक्षा दे, माई भिक्षा दे। सीता भिक्षा देने के लिए बाहर आई। इतने में ही उसे लक्ष्मण की बात याद आ गई, माते कुछ भी हो जाए पर आप इस रेखा को पार ना करें। वो तुरंत पीछे हट गई और दूर से ही भिक्षा देने लगी। ये देखते ही रावण क्रोधित हो उठा और सीता से बोला, भिक्षा देने का ये कौन सा तरीका है माई? भिक्षा देनी है तो ठीक से आगे आकर दो, वरना मैं बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, ऐसा कर तुम पाप की भागी बन जाओगी, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। रावण की बात सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने रावण से कहा, ऐसे क्रोधित मत होइए, मुझसे भूल हो गई। और सीता ने भिक्षा देने के लिए रेखा लांग कर बाहर की ओर पैर रख दिया। फिर क्या था, रावण साधु वेश छोड़कर अपने असली रूप में आ गया। एक झटके में उसने सीता का हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर उन्हें उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने लगा। अब सीता रोने लगी, अपने श्री राम को जोर जोर से पुकारने लगी। रावण को अब बहुत आनंद आ रहा था। जब सीता राम को पुकार रही थी तो रावण जोर जोर से हंसता हुआ बोला, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो सीते? अब इसका कोई फायदा नहीं है, सारे देवता मेरे दास हैं दास, साक्षात कैलाशपति शंकर का मुझे आशीर्वाद है। मेरी प्रचंड शक्ति से वो राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण को अपनी शक्ति का अधिक गर्व होने लगा। इतने में जटायु नाम का एक विशाल पक्षी सीता को बचाने के लिए रावण के विमान को टक्कर मारने लगा। जटायु अपनी चोंच से रथ को तोड़ना चाहता था। रावण क्रोधित हो गया, उसने अपनी तलवार से एक के बाद एक जटायु पर प्रहार किया और बेचारे जटायु का एक पंख कट गया। घायल होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। बेचारा जटायु, उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि वो सीता को बचा ना पाया। इधर रावण सीता को आकाश मार्ग से लंका ले गया। दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते थक गए, पर सीता का कहीं पता भी ना चला। अब राम की अवस्था एक छोटे बच्चे जैसी हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी ना? क्यों लक्ष्मण, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लक्ष्मण ने राम की हालत देखकर राम से कहा, श्री राम भैया, इतना दुखित होने की जरूरत नहीं है, हम अभी सीता को ढूंढकर वापस ला सकते हैं। परंतु राम को इससे संतोष नहीं हो रहा था। जंगल के सभी पशु पक्षी उनकी पर्णकुटी के पास एकत्रित हो गए थे और सभी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे थे। इस प्रकार लक्ष्मण ने यह समझ लिया और राम से कहा, ये प्राणी एक साथ दक्षिण दिशा की ओर क्या देख रहे हैं? राम ने एक क्षण उधर देखा और फौरन उठकर खड़े हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हो सकता है कि कोई सीता को इसी दिशा की ओर ले गया हो। राम लक्ष्मण को साथ लेकर सीता को ढूंढने के लिए उसी दिशा की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने पेड़ पर लटकी हुई मुरझाई फूलों की बेणी देखी। उसे देखकर राम एकदम भावावेश हो गए और बोले, अरे लक्ष्मण, कल ही तो मैंने ये फूल सीता को दिया था, ये यहां कैसे? राम बहुत दुखी हुए। अभी थोड़ी दूर और चले ही थे कि सीता के आभूषण पड़े मिले। उन्हें देखकर राम को विश्वास हो गया कि सीता इसी मार्ग से आगे गई है, निश्चित ही कोई सीता को इसी दिशा में उठाकर ले गया है। चलते चलते मार्ग में रक्त रंजित जटायु पड़ा मिला। इस पक्षी को देखकर राम ने सोचा कि जरूर इस पक्षी ने ही सीता को मारा है। ऐसा विचार कर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जटायु पर निशाना लगाया। परंतु वो जटायु करुण शब्दों में श्री राम से बोला, हे राम, मेरी ये अवस्था दुष्ट रावण ने की है। तुम्हारी सीता को उठाकर वो आकाश मार्ग से जा रहा था, मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने रावण पर वार किया पर उसने मेरे पंख काट दिए और वो सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। ऐसा कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम के नेत्रों में अश्रु भर आए। राम उसके पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होंने जंगल की लकड़ी पत्र इकट्ठा कर जटायु को अग्नि दी और फिर सीता की खोज करने के लिए
आगे चल दिए।